ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे गणतंत्र दिवस 2022 से संबंधित क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, 26 जनवरी को हम किस नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शंस हैं स्वतंत्रता दिवस, संविधान दिवस, गणतंत्र दिवस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के नाम से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गणतंत्र दिवस। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत कब से होगी? आपके ऑप्शंस हैं 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी या फिर 26 जनवरी। तो गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत पहले प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी से की जाती थी, लेकिन इस वर्ष सरकार ने एक नया फैसला लिया है, गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत 23 जनवरी से ही की जाएगी। इसके पीछे कारण यह है कि 23 जनवरी 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस यानी कि नेताजी का जन्म हुआ था। तो सरकार ने यह फैसला लिया है कि सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को भी गणतंत्र दिवस के समारोह में ही शामिल किया जाए। तो इसी वजह से अब से प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी से ही गणतंत्र दिवस की समारोह की शुरुआत की जाएगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 23 जनवरी। अगला प्रश्न है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस का कौन सा वर्षगांठ मनाया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं 73वां, 74वां, 72वां या फिर 75वां। तो इस वर्ष यानी कि 2022 में गणतंत्र दिवस का 73वां वर्षगांठ मनाया जाएगा, ऑप्शन सी 73वां। अगला प्रश्न है, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1947 को, 26 अगस्त 1950 को, 15 अगस्त 1950 को या फिर 26 जनवरी 1950 को। तो पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 पहला गणतंत्र दिवस। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के दिन देश में झंडा कौन फहराते हैं? आपके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या फिर गृह मंत्री। तो गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी, 26 जनवरी के दिन देश के राष्ट्रपति द्वारा राजपथ पर प्रत्येक वर्ष झंडा फहराया जाता है। जैसे कि भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के दिन झंडा फहराया जाएगा, जबकि 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन देश के प्रधानमंत्री द्वारा झंडा फहराया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यों में गणतंत्र दिवस पर कौन झंडा फहराते हैं? आपके ऑप्शंस हैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। तो राज्यों में गणतंत्र दिवस के दिन यानी कि 26 जनवरी को उस राज्य के जो गवर्नर होते हैं यानी कि राज्यपाल होते हैं वो झंडा फहराते हैं, जबकि 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन उस राज्य के मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? आपके ऑप्शंस हैं 25, 22, 21 या फिर 20 तोपों। तो गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति को हमारे देश के सैनिकों द्वारा 21 तोपों की सलामी दी जाती है, ऑप्शन सी 21 तोपों। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान निम्न में से कौन है? आपके ऑप्शंस हैं वंदे मातरम, जनगण मन, ए मेरे वतन के लोगों या फिर कोई नहीं। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसका नाम है जनगण मन, जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिसे गाने में हमें 52 सेकंड का समय लगता है। और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है उसका नाम है वंदे मातरम, जिसे लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, जिसको गाने में हमें 65 सेकंड का समय लगता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनगण मन, ये भारत का राष्ट्रीय गान है। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी के दिन झंडा कहाँ से फहराया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं लाल किला, संसद भवन,
राजपथ या फिर हवा महल। तो 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन झंडा राजपथ से राष्ट्रपति द्वारा फहराया जाता है, जबकि 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा लाल किला से देश के प्रधानमंत्री द्वारा फहराया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजपथ। अगला प्रश्न है, पहला गणतंत्र दिवस कहाँ मनाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं लाल किला, मोटेरा स्टेडियम, इरविन स्टेडियम या फिर राजपथ। तो जब 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था तो इरविन स्टेडियम में मनाया गया था, जिसे हम अभी नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं। लेकिन वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस जो है राजपथ में मनाया जाता है। राजपथ में गणतंत्र दिवस मनाने की सिलसिला जो है 1955 में शुरू हुई और अब तक मनाई जा रही है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इरविन स्टेडियम, जिसमें पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम गणतंत्र दिवस के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं नेहरू जी, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद या फिर मोदी जी। तो 26 जनवरी 1950 को जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रथम गणतंत्र दिवस के समय भारत के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं भगत सिंह, सरदार वल्लभ पटेल, अमित शाह या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, और भारत के जो वर्तमान गृह मंत्री हैं वो हैं श्री अमित शाह। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। अगला प्रश्न है, तिरंगे झंडे को डिजाइन किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ टैगोर, कुसुम सिंह, गांधी जी या फिर पिंगली वेंकैया। तो वर्ष 1921 ईस्वी में पिंगली वेंकैया द्वारा तिरंगे झंडे को डिजाइन किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पिंगली वेंकैया, जिन्होंने भारत के तिरंगे झंडे को डिजाइन किया। अगला प्रश्न है, तिरंगा झंडा का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं 3:2, 2:3, 2:5 या फिर 6:5। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा झंडा, जो हमारा शान है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3:2, जो कि तिरंगे झंडे की लंबाई और चौड़ाई की अनुपात है। अगला प्रश्न है, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या फिर 26 नवंबर 1950 को। तो तिरंगे झंडा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 22 जुलाई 1947, इस दिन तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? आपके ऑप्शंस हैं 20, 25, 24 या फिर 26। तो तिरंगे में जो अशोक चक्र होते हैं उसमें 24 तिलियां होती है, जो मनुष्य के 24 गुणों को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 24 तिलियां। अगला प्रश्न है, पहला गणतंत्र दिवस पर अतिथि के रूप में कौन आए थे? आपके ऑप्शंस हैं हिटलर, अब्राहम लिंकन, सुकुर्नो या फिर कोई नहीं। तो अतिथियों के बुलाने का जो सिलसिला है शुरू से ही चलती आ रही है। पहला गणतंत्र दिवस जब 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था तो अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकुर्नो को बुलाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुकुर्नो। परंतु पिछले साल भी और इस साल भी किसी भी देश के किसी भी मंत्री को अतिथि के रूप में नहीं बुलाया जा रहा है। कारण यह है कि सभी जगह कोरोना का संक्रमण काफी वृहद रूप से फैल गया है, तो इसके देखते हुए अतिथि के रूप में किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुकुर्नो। अगला प्रश्न है, हाथ से लिखी गई संविधान को किस गैस के बीच रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो हाथ से लिखी गई जो संविधान है वो काले स्याहियों से लिखा गया है और उसे भारत के जो संसद भवन है उसमें सेंट्रल हॉल में रखा गया है। सेंट्रल हॉल में उसे एक बॉक्स में रखा गया है और उस बॉक्स में हीलियम गैस भरा गया है। हीलियम गैस जो कि निष्क्रिय गैस होती है, किसी से अभिक्रिया नहीं करती है,
जिससे उसकी लिखावट पे कोई असर नहीं होगा, वो लिखावट खराब नहीं होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हीलियम गैस। हाथ से लिखा गया संविधान को हीलियम गैस के बीच रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अम्बेडकर, नेहरू जी या फिर इंदिरा गांधी। तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ऑप्शन बी डॉक्टर अंबेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त या फिर 22 जुलाई को। तो प्रत्येक वर्ष भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा में संविधान को अपनाया गया था, तो इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था, तो इसलिए हम 26 जनवरी को प्रत्येक साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है 26 नवंबर, इस दिन संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा, ऑप्शन ए 2 साल 11 महीना 18 दिन। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे वीरता पुरस्कार कौन है? आपके ऑप्शंस हैं अर्जुन पुरस्कार, परमवीर चक्र, पद्म श्री पुरस्कार या फिर कोई नहीं। तो भारत का सबसे वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई। वह पुरस्कार हमारे देश के सैनिकों को दी जाती है। जब कोई सैनिक शहीद हो जाते हैं तो उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ये परमवीर चक्र हमारे देश का सबसे वीरता पुरस्कार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, किसने कहा था? आपके ऑप्शंस हैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या फिर गांधी जी। तो तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया है? आपके ऑप्शंस हैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या फिर गांधी जी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी गांधी जी। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान किसने कहा है? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री या फिर गांधी जी। तो जय जवान जय किसान यह नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। अब कुछ प्रश्न जो है आप लोगों के लिए। पहला प्रश्न है कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? दूसरा प्रश्न है, किसी भी देश के लिए संविधान क्यों आवश्यक है? अगर आपको पता है कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं और किसी भी देश के लिए संविधान क्यों आवश्यक है, तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं हम आने वाले वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम।